हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 हमें दे रखा है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जिसकी रेडियस कितनी हो, 3.5 सेंटीमीटर हो। जैसे कि मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। टू टेंजेंट ड्रॉ करो विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे पे क्या बनाती हो, परपेंडिकुलर। मतलब ये जैसे कि मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यहाँ पर इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस तरीके से ड्रॉ करना हमें, ठीक है। मान लो इसका नाम ए, बी और ये पी, और इसका सेंटर मान लिया ओ। अगर टेंजेंट पे हम रेडियस ज्वाइन करते हैं, ये रेडियस है और ये भी हमारी कौन है, रेडियस। तो रेडियस टेंजेंट पे हम ऑलवेज क्या बनाती है, परपेंडिकुलर, जिसको हमने थ्योरम 10.2 के अंदर भी प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री के बनती हैं और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। इसके जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा भी डेफिनेटली 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो कि इन क्वाड्रिलेटरल, अब यही बात क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि कितनी साइड है इसमें, 1, 2, 3, 4। तो इन क्वाड्रिलेटरल एंगल पी, एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी, इन सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। पी हमारा 90 है, ए भी 90 है, ओ हमें निकालना है, बी 90 है, इनको ऐड करेंगे, 9 3 27, एंगल ओ इज इक्वल टू 360। पॉजिटिव का दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, माइनस किया तो एंगल ओ भी हमारा कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का, माइनस करने पे तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 का। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपास को ओपन करते हैं 3.5 सेंटीमीटर का। तो ये मैंने कंपास को 3.5 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया। करने के बाद यहाँ रखा और इस पे रख के मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो कोई भी एक रेडियस बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, रेडियस ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है। इस रेडियस का नाम दे दिया मैंने ओ बी। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका, ओ को एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ मैंने आर्क लगाई। पहली आर्क जो लगेगी ये 60 की होगी, इसी पे रखे अगली आर्क लगाई 120 की। अब 60 से और 120 से, दोनों से आर्क लगाएंगे तो ये बन जाएगी हमारी 90 डिग्री की एंगल। तो इन दोनों को मैंने जॉइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल ही ड्रॉ करना है। तो मैंने कंपास को अगेन ड्रॉ किया। तो जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आर्क लगाएंगे, इसको कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। एक बार आर्क लगाने के बाद पहली आर्क 60 डिग्री की, दूसरी आर्क हमारी ये भी 60 डिग्री की और 120 की होगी। 60 और 120 दोनों से आर्क लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम, ये लो जी, ये 90 डिग्री का बन गया हमारा। अब इस पर भी कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं कॉपी को थोड़ा टर्न कर लेता हूँ, नोटबुक को, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। देखो, इसे मैं एज ए सेंटर मानते हुए इस तरीके से आर्क लगाता हूँ। पहली आर्क होगी 60 डिग्री की, दूसरी 120 डिग्री की, फिर 60 से आर्क लगाएंगे और 120 से, ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, कुछ डायग्राम हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक। ये बी हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा पी पॉइंट हो जाएगा। ये भी कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। ये इस सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी, जो टेंजेंट लाइन होगी वो होगी पी ए और पी बी, जो एक दूसरे के इक्वल होती है, जो हमने थ्योरम 10.2 के अंदर प्रूफ किया था। एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, आप इसको उसके रबड़ की हेल्प से रफ कर देना। आपको सारा डायग्राम पेंसिल से बनाना है, पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।